आ जाओ। मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मुझे क्या करना है। और वो क्या है? सरप्राइज। पता नहीं इन औरतों के दिमाग में कौन सा कीड़ा रेंगता रहता है, खुद शांति से रहती है ना हमें रहने। कितना पढ़ाई करती है तू, ना दिन देखती है ना रात, थोड़ा बहुत खेल कूद में भी इंटरेस्ट ले लिया करो। खेल कूद? माँ तुम तो जानती हो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए कितना पढ़ना पड़ता है, और फिर कॉलेज, ट्यूशन, सेल्फ स्टडी, इसके बाद मुझे खेलने का टाइम कहाँ मिलता है। और भी तो बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, लेकिन खेल कूद में भी तो इंटरेस्ट लेते हैं और साथ ही साथ देश का नाम भी रोशन करते हैं। ओह आप उनकी बात कर रहे हो, तो तुझे क्या लगा, अच्छी है ना उनकी लाइफ? हाँ माँ वो तो है, देश के लिए खेलना हर किसी के बस की बात नहीं, बड़ी किस्मत से मिलते हैं मौके, और फिर उन्हें एक अलग ही जुनून होता है कुछ कर गुजरने की। और अगर तुझे ये मौका मिले तो मैं तो झंडे गाड़ के आऊंगी। मुझे पता था तू मुझे कभी मना कर ही नहीं सकती है। कुछ समझी नहीं? कुछ नहीं, तू पढ़ाई कर और बाकी सब मुझ पर छोड़ दे, और हाँ चाय खत्म कर देना। हेलो जी, मुझे स्पोर्ट एकेडमी में एडमिशन लेने की प्रोसेस पूछना था मेरी बेटी का। मतलब सुनना, तुझे कौन सा खेल पसंद है? फुटबॉल। बाय। जी फुटबॉल पसंद है उसे। एक वीडियो सर्च करते हैं कि एक अच्छा खिलाड़ी कैसे बनते हैं। तो कल से मैं थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस स्टार्ट कराती हूँ कि कितने बजे उठना है, क्या खाना है, और जिम भी तो जाना होगा। जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, क्यों उसकी लाइफ खराब करना चाहते? इसे लाइफ खराब नहीं कहते, इसे लाइफ सेट हो जाएगी। और मैंने उससे बात भी कर ली है, उसे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट होना और उसमें करियर बनाना दोनों अलग अलग बात है। वो सब मुझे नहीं पता है, वो अगले बैच में जा रही है, मतलब जा रही है। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन सुनो वो मेरी भी बेटी है। बता तो ऐसे रहे जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है, एक बार मेडल मिल जाए फिर सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा। मानसी, मानसी, मानसी उठ ना, सुबह के 4 बज गए। यहाँ है माँ, 4 बजे हैं अभी। इसीलिए तो उठा रही हूँ ताकि तुम्हारी बॉडी एक्टिव रहे, और सारे प्लेयर्स भी तो सुबह के 4 बजे उठते हैं। भूल मत करो, जाओ अभी यहाँ से, सोने दो मुझे। दूध। माँ क्या हो गया आपको, जूस के बदले मिल्क? दूध बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, और सारे प्लेयर्स भी तो दूध पीते हैं। वो पीते होंगे, मैं नहीं। मानसी सुनो, शाम को ना ट्यूशन से जल्दी घर वापस आ जाना, जिम जाना है, और फिटनेस भी तो जरूरी है ना, सारे प्लेयर्स जाते हैं। सुबह मेरी नींद खराब की ये कम है क्या? आप शाम को भी जल्दी आने को बोल रही हो, शाम को अपने फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ तो मैं नहीं आ रही। बाय। हेलो पापा। हेलो बेटा। किचन से कितनी स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है। तुम्हारी माँ आज तुम्हारे लिए हेल्दी खाना बना रही है। अच्छा माँ। आ गई मानसी बेटा। तुम क्या है ये माँ? ये हेल्दी खाना है जो सारे प्लेयर्स खाते हैं। क्यों कर रही हूँ ये? तुम्हें डॉक्टर से प्लेयर बनाने के लिए। क्या मजाक है माँ, आपको पता भी आप क्या कर रही हैं? अब मैं अपने बेटे के साथ मजाक कर रही हूँ, जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं कि अच्छा क्या है बुरा क्या है,
और अगर खेलने से नुकसान होता ना तो सारे प्लेयर्स अपना इसमें करियर नहीं बनाते। माँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं, पर आपको इसमें थोड़ी सी देर हो गई। हाँ, एक अच्छा एथलीट बनाने के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी फिटनेस होती है। बचपन से ही बच्चों को इसके लिए तैयारी करने के लिए लगा दिया जाता है। जितना ये ट्रेनिंग में टाइम लगाएगी ना, उससे पहले ये डॉक्टर बन जाएगी। पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, किसी भी फील्ड में सक्सेस होने के लिए टाइम लगता है, और हम जो इन्हें देख रहे हैं ये इनकी कितने सालों की मेहनत है ये सिर्फ वही बता सकते हैं। ये बात और है कि उनके फील्ड से देश विदेश में उनका नाम जाना जाता है, लेकिन करते तो वो देश की सेवा ही है। मानसी भी एक डॉक्टर बन के देश की सेवा ही करेगी। हाँ, ये बात अलग है कि हमारी मानसी को कम लोग जान पाएंगे, पर इसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, काम तो सिर्फ काम ही होता है। कोई जाने या ना जाने, मुझे पता है मेरी बेटी जिस फील्ड में भी होगी अपना नाम सक्सेसफुल करेगी। ये हुई ना बात, तो आज का हेल्दी खाने का क्या करना है बोलो माँ। तो अभी से बेटी को डॉक्टर बनाने की खुशी में सेलिब्रेशन करते हैं। चाहे आप स्पोर्ट्स में करियर बनाए या किसी और फील्ड में, करना आपको इस देश के लिए ही है। होप करता हूँ वीडियो आपने पूरा देखा होगा। और गाइस, जब वीडियो ख़त्म हुआ तो आपने देखा होगा कि एक शॉर्ट क्लिप वहाँ पे थी। सो गाइस, मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा वो क्या है, तो गाइस मैं आपको बता दूँ, वो बेसिकली रियलिटी है इस देश की, इंडिया की, जहाँ पे लेबर तबके लोगों को, मतलब गरीब तबके लोगों को, मतलब उनके पास ना खाने का ठिकाना है ना मतलब घर है, उनके बच्चे वहाँ पे मतलब सफ़र करते हैं बीमारियों से, मतलब हर चीज़ से। मैं चाहता हूँ कि आप मतलब इन मतलब ये सब जो आप देख रहे हैं, मतलब एक दूसरे की मदद नहीं कर पा रहे हैं। सो मैं इस वीडियो के मीडियम से यही कहना चाह रहा हूँ गाइस, कि आप मतलब उनकी मदद करें, मतलब इस वीडियो के मीडियम से आप उनका सहारा बने। आप कह सकते हैं, हमारे मतलब ट्रेडिशन में भी है कि मतलब जो खुशी से दो तो इन रिटर्न आपको वापस मिलता ही है। सो गाइस, मैं यही चाहता हूँ कि आप भी मतलब इन सब को डोनेट करें, तो मतलब डोनेट करें तो इनकी लाइफ मतलब सुधर जाएगी, बच्चे सफ़र नहीं करेंगे, मतलब जो बूढ़े लोग हैं उनको
मतलब आराम मिलेगा, कुछ पल के लिए ही तो सही उनकी उम्र में, लेकिन उन्हें आराम मिलेगा। सो गाइस, मैं मतलब यही चाहता हूँ कि मतलब आप इन सबको डोनेट करें। मैं गाइस डिस्क्रिप्शन पे लिंक मतलब दे दूंगा अपने पेटीएम नंबर का। सो आपसे गाइस जितना हो सके आप मतलब उसको डोनेट करें, और वो गाइस वो जो डोनेशन आप करेंगे वो मैं उन्हीं के लिए करूंगा, वापस मैं उन्हीं को दूंगा। ये आपसे मैं अपील करना चाहता हूं गाइस, ये मतलब चाहता हूं कि हमारा मतलब कोई भी ऐसे सफ़र ना करे। तो अपना डोनेशन दीजिए, अपना योगदान दीजिए। सो उस योगदान से मैं इन सब की या आप इन सब की मदद करेंगे। आपका प्यार चाहिए मुझे, और वही प्यार मैं इन सबको देना चाहता हूँ। सो डोनेट करिए गाइस, जो भी मैं हो सके मैं इनके लिए हमेशा कर रहा हूँ। ये गाइस ये चैनल ही बेस्ड है लोगों के लिए हेल्प करने के लिए, लोगों को इंफॉर्मेटिव वीडियोस, लोगों की एक तरह से हेल्प करने के लिए ये बेस्ड है चैनल। तो गाइस मैं यही चाहता हूँ आप डोनेट करें। डिस्क्रिप्शन पर मेरा पेटीएम नंबर है, उस पर आप डोनेट करें। जो भी आप डोनेशन देंगे, जो भी छोटा से छोटा बड़े से बड़ा, मैं उसको इन सब में मतलब इन सब लोगों के लिए दे दूंगा इनको। सो ये आपसे अपील है गाइस, यही चाहता हूँ आप भी सुख रहें, मतलब खुशी से रहें, मैं भी खुशी से रहूँ। ये सब भी आपकी दुआ से, आपके प्रेम से, आपके डोनेशन से ये लोग खुश रहें। और गाइस इन द एंड मैं यही चाहूँगा मेरे इस चैनल को भी आप ज्वाइन करें, क्योंकि गाइस ये जो ज्वाइन बटन है ना नीचे, उसको आप मतलब उसे ज्वाइन करेंगे तो मैं इन्हीं सबको वापस दूंगा, और वो आपको दुआएं देंगे, देता है उसको रिटर्न वापस मिलता है। सो यही है गाइस, आप डोनेट करें, और जो डोनेशन आप देंगे वो मैं इन्हें दे दूंगा। ज्वाइन बटन भी आप ज्वाइन करें मेरे चैनल को, तो मैं वो जो भी अमाउंट मतलब बनेगा मैं इन्हें दे दूंगा। एंड इन द एंड गाइस मैं चाहता हूँ आप मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं हमेशा आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू गाइस, और डोनेट करिए, जो कि इन्हीं को मिलेगा, और दुआएँ देंगे ये लोग आपको। धन्यवाद, थैंक यू।